सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 422वीं कक्षा, दसवां अध्याय, पांचवां पाद। पिछली कक्षा में 25वें अधिकरण तक हमने देखा था। इसमें पृष्ठ संख्या 438 पर जो लिखा है इन्होंने भाष्य में अंत में कि त्रिवृत्त आरभ्य नवैक अहसु संकल्पे मानेषु पूर्वस्मिन् पक्षसि सप्त परिशिष्यन्ते। ये जो सात बज जाते हैं तो उसको जो ये जिस तरह से देखते हैं कि इसको इन्होंने 437वें पृष्ठ पर टुकटीका में लिखा हुआ है, तो उसमें जब प्रारंभ करते हैं पूर्व पक्ष में तो प्रायणीय और चतुर्विंश स्तोम, ये दूसरे दिन में चतुर्विंश स्तोम होता है, ये दो तो छोड़ देते हैं, इसके बाद से प्रारंभ करते हैं। तो 180 पूर्व पक्ष के होते हैं, 125 में से दो दिन हटा दिए तो 178 दिन बचे, और दंड कलितवत करते हुए नौ नौ का करते हुए जब इसमें नौ बार करेंगे तो ये नौ को 178 में भाग देंगे नौ नौ का करते हुए, तो 19 बार जा करके ये 171 हो जाएंगे। कुल थे 178 दिन, उसमें से 171 हो गए, अब सात बच गए, ठीक है। तो पूर्वस्मिन् पक्षसि सप्त परिशिष्यन्ते, अब सात बचे, अब सात में से तत्र सप्तमे ऐन्द्रवायवाग्रता, ये जो बचे हुए सात हैं उनमें से प्रथम तीन दिन ऐन्द्रवायवाग्रता, शुक्राग्रता, अग्रहणाग्रता, तीन में ये हो गई, एक दो तीन, फिर चार पाँच छः में फिर यही क्रम आएगा। अब सातवां जो है उसमें फिर से नया क्रम होगा त्रैनिक का, तो ऐन्द्रवायवाग्रता आएगी, तो उसके लिए इन्होंने लिखा तत्र सप्तमे ऐन्द्रवायवाग्रता। और ऐसा करके ये वैसे 178 दिन पूरे हुए लेकिन दो दिन पहले के मिलाएं तो ये 180वां दिन पूरा हो गया, ठीक है। ये जो तत्र सप्तमे ऐन्द्रवायवाग्रता, ये 180वां दिन पूरा हो गया, एक पक्ष समाप्त हो गया दंड कलित की दृष्टि से। अब उसके बाद में विषुवान होता है, तो ऐन्द्रवायवाग्रता के बाद में शुक्राग्रता होगी, तो विषुवान, तो शुक्राग्रो विषुवान ये हो गया, ये 181वां दिन हो गया बीच का। अब उत्तर पक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उत्तर पक्ष का पहला दिन कहो या कुल मिला के 182वां दिन कहो, उसकी आग्रहणाग्रता होगी प्रथम, प्रथमः स्वरसामः, ये स्वरसाम तीन होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो जो प्रथम स्वरसाम वैसे तीन होते हैं लेकिन ये जो प्रथम स्वरसाम है उसमें आग्रहणाग्रता होगी, और जो दूसरा स्वरसाम होगा यानी 183वां दिन, और वैसे देखें तो इसका दूसरा दिन उसमें ऐन्द्रवायवाग्रता होगी और 184वें में शुक्राग्रता होगी। तो स्वरसाम के ये तीन दिन पूरे हो गए, हाँ नहीं दूसरे में ऐन्द्रवायवाग्रता, क्योंकि प्रथम में आग्रहणाग्रता है, तो त्रिक समाप्त हो गया ना आग्रहणाग्रता में, 101वां दिन जो है 182वां दिन उसमें त्रिक समाप्त हो गया त्रैनिक अग्रहणाग्रता। अब जो स्वरसाम के का दूसरा और तीसरा बचा यानी कुल मिलाकर के वो 183वां और 184वां दिन है, वहाँ से त्रिक फिर नया प्रारंभ होगा, तो ऐन्द्रवायवाग्रता और शुक्राग्रता हो गई। अब स्वरसाम के तीन होने के बाद में फिर विश्वजीत आएगा, अब विश्वजीत ये 185वां दिन होगा और इसमें अग्रहणाग्रता आएगी, तो ये जो कहा ना ततो विश्वजीत इति त्रैनिका समाप्ता, ये त्रैनिक तीन यहां पर फिर समाप्त हो गए, ठीक है। अब इससे अगला जो 186वां दिन है ये त्रैस्त्रिंशम अह, ये त्रैस्त्रिंश स्तोम है, तो ये 186वां दिन में त्रैस्त्रिंश स्तोम ये निश्चित है, और उसके लिए आग्रहणाग्रता का कथन किया गया है। अब दंड कलित की दृष्टि से देखेंगे तो विश्वजीत यानी 185वां दिन समाप्त हो गया, तो उसके बाद में जब त्रैस्त्रिंश स्तोम है 186वें दिन वहां पर ऐन्द्रवायवाग्रता प्राप्त हो रही है दंडकलित से,
इसलिए इन्होंने कहा त्रयस्त्रिंशम अहर ऐन्द्रवायु व्याघ्रम प्राप्नोति, जो कि अनिष्ट है। तत्रैत दर्शनम विरुद्यते, दर्शन तो यह कि वहां अग्रयणाग्रता होनी चाहिए, तो ये विरुद्ध हो गया। तस्मात स्वस्थान विवृद्धि रीति, अपने स्थान में ही विवृद्धि होगी। अपने स्थान में विवृद्धि होगी तो 186वें दिन क्या बनेगा? तो जब इसमें क्योंकि तो 9 है, तीन तीन के अतिरिक्त 3 बार आएंगे, ऐसा करके 9 बनेगा। इसी क्रम को हमें सब जगह रखना है पूरे में, तो प्रत्येक में हम एक तरह देखें तो 20-20 हमने बढ़ा लिए, लगभग 20-20 मान के चलो। तो अब जब 186वां दिन आएगा और वहाँ 180वें दिन तक जो पूरा होगा उसमें हमारा अंतिम जो होगा वो अग्रयणाग्रता होगी। अब जब उत्तर पक्ष प्रारंभ होगा तो उलट के करना है, अग्रयणाग्रता शुक्राग्रता ऐन्द्रवायवाग्रता, इन 9 का जो उल्टा है पलट करके करना है 8, 7, 6, 5 में। तो उसमें जो पहले वाले दिन रहेंगे वो अग्रयणाग्र रहेंगे, तो 186वें में अग्रयणाग्रता आ जाएगी, वो इससे संगत हो जाता है। बस इसी लिंग से उसमें पलटेगा नहीं ना, क्यों नहीं पलटेगा? क्योंकि वो दंड कलित है, दंड कलित में पलट नहीं रहा है, वो दंड कलित में पलट नहीं रहा है। हाँ, और अगर दंड कलित में तो बस दंड कलित में चलता चला जाएगा आगे तक, दंड कलित में व्यावृत्त नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 438वें पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति है, उसमें दंड कलितवत पुनरावृत्तौ सत्याम तत्र ऐन्द्रवायवाग्रम स्यात्। पुनरावृत्तौ, व्यावृत्त नहीं है, पुनरावृत्त है बस, और इधर तो ये व्यावृत्त हो रहा है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 440, 26वां अधिकरण, शीर्षक है व्यूढ़ात्मक द्वादशाहे मंत्राणाम एव छंदो व्यतिक्रमाधिकरणम। तो द्वादशा दो प्रकार का, समूढ़ और व्यूढ़ दो प्रकार का पीछे देखा था हमने। तो उसमें जो व्यूढ़ात्मक द्वादशा है उसमें छंदों का व्यतिक्रम होगा, तो मंत्रों के छंदों का ही व्यतिक्रम होगा और चीजों का व्यतिक्रम नहीं होगा। अन्य क्या क्या चीजें हैं वो भक्ष पवमान परिधि कपाल ये सूत्र में और भाष्य में बताए जाएंगे, उनका परिवर्तन नहीं होगा, केवल छंदों का परिवर्तन होगा, ये इसका निश्चय है। तो व्यूढ़ात्मक द्वादशा हो जाएंगे जिसमें इनका क्रम परिवर्तित होता है, ऐन्द्रवायवाग्रता शुक्राग्रता और अग्रयणाग्रता, इसी क्रम से चलता रहेगा तो समूढ़ हो गया और बदल जाएगा तो व्यूढ़ हो जाएगा, परिवर्तित है, विकृत है, विपरिवर्तित है। तो 88वां सूत्र सिद्धांति का है, छंदो व्यतिक्रमाद, द को हलंत कर लीजिए, छंदो व्यतिक्रमाद व्यूढ़े, छंद के व्यतिक्रम से जब व्यूढ़ किया जाए, छंद का व्यतिक्रम बताया जाएगा कि यह विशेष कथन होने से है। भक्ष पवमान परिधि कपाल से, चार चीजें हो गई, भक्ष पवमान परिधि और कपाल, इसके मंत्राओं का यथोत्पत्ति वचनम उहवत स्यात्, जैसा इनका उत्पत्ति का वचन है वैसा उहवत, ये जो वत प्रत्यय ये यहाँ पर अरह अर्थ में है, अरहेवती, तो उत्पत्ति वचनम उहवत, उह के से युक्त, उह की सामर्थ्य वाला होवे, उसमें उह कर दिया जाएगा, उह के योग्य होवे, उहवत स्यात् उह के योग्य हो जाए। भाष्य, अस्ति द्वादशाः समूढ़ो व्यूढ़श्च, तत्र व्यूढ़, व्यूढ़ का उदाहरण इन्होंने दिया पहले आ चुका है, ऐन्द्रवायवाग्रौ प्रायणीयो दयनीयौ अथेतरेषां दशानां अन्नाम ऐन्द्रवायवाग्रम प्रथमम अह अथ शुक्राग्रम अथ द्वे अग्रयणाग्रे अथ ऐन्द्रवायवाग्रम अथ द्वे शुक्राग्रे अथ अग्रयणाग्रम अथ द्वे ऐन्द्रवायवाग्रे इति, बंद कर लीजिए यहाँ पर। तत्र व्यूढ़े इदम समामनन्ति, व्यूढ़ में ये एक वचन और मिल रहा है जो कि हमारे इसका विचार का विषय है, जिसके आधार पर ये चर्चा चल रही है। समामनन्ति के बाद में विपरीत अल्पविराम में छंदान सिवा अन्योन्यस्य लोकम अभिध्यायन्ति, छंद जो है वो एक दूसरे के लोक का ध्यान कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, दूसरे दूसरे की तरफ, दूसरे की थाली में नजर होती है ना, तो ये जो छंद है ये अन्य अन्य के लोक में चले जाते हैं। कैसे? तो गायत्री त्रिष्टुभा, गायत्री जो, गायत्री पहला होता है छंद, वो त्रिष्टुप का, और त्रिष्टुप इतना कर लीजिए, त्रिष्टुप जगत्या, त्रिष्टुप जगती का, तो
तो पहला है वो दूसरे में और दूसरा है वो तीसरे का, और जगति गायत्र्या, जगति जो तीसरा है वो गायत्री में यानी पहले में चली जाएगी, बंद कर लीजिए, या आपस में एक दूसरे के परिवर्तित कर देते हैं। तत्र संति भक्ष पवमान परिधि कपालानि, तो इसके विषय में ये चीजें भी हैं, भक्ष कपाल परिधि और कपाल। अब भक्ष क्या क्या है उसके लिए वचन दिए हुए हैं, केवल उदाहरण मात्र देखेंगे। भक्षस्तावत, उसमें विपरीत अल्प विराम में लीजिए आगे, भक्षे ही मा विष, भक्षे ही इसको इकट्ठा कर लीजिए, भक्ष आ ही, भक्षे ही, हे भक्ष इधर आओ मेरे पास आओ, भक्षे ही मा विष, मा मतलब माम प्रति, मेरे प्रति विष स्थित हो, किस लिए? दीर्घायुत्वाय, शंतनुत्वाय, दीर्घायु के लिए और शरीर के कल्याण के लिए। अल्प विराम, एहि वसो पुरो वसो प्रियो मे हृदो अस्य, इसमें भी वही कामना है, अश्विनोस्त्वा बाहुभ्याम सत्यासम, अल्प विराम आगे, वसुमत गणस्य रुद्रवत गणस्य आदित्यवत गणस्य सोमदेवते मतिविदा प्रातः सवनस्य माध्यन दिनस्य सवनस्य तृतीय सवनस्य, अल्प विराम, गायत्र्यं छंदः तिष्ठोप छंदसो जगति छंदसो अग्निष्टुतः इंद्रपीतस्य मधुमत, इंद्रपीतस्य के बाद रेखा है वो हटा दीजिए, इंद्रपीतस्य मधुमत उपहूतोपहूतो भक्षयामि इति, बंद कर लीजिए, निपक्षयामि, ये मैं भक्षण करता हूँ, अर्थ आदि तो ये अलग विषय छोड़ दो, ये भक्षण के लिए कथन आ गया। तथा पवमान, अपवमान के लिए कह रहे हैं, पवमान इष्टिया तीन होती हैं, एक पवमान अग्नि होती है, एक पावक अग्नि होती है, एक शुचि अग्नि होती है। पवमान, पावक और शुचि, ये पवमान इष्टियों के अंदर तीन में मानी जाती हैं। तत्र पवमान शेनोसी गायत्र छंदा सुपर्णोसी त्रिष्टुप छंदा सघासी, घ में आ की मात्रा लगा लीजिए, सघासी जगति छंदा, अल्प विराम, ये तीन छंद आ गए क्रमशः। अनुत्वारभे, अनुत्वारभे, अनु त्वा आरभे, यानी दो अवग्रह यहाँ पर बीच में चिन्ह ले सकते हैं स्पष्ट के लिए, अनुत्वा आरभे स्वस्ति मा संपारय, बंद कर लीजिए, तो ये पवमान है। इति च तथा परिधय, परिधियों के लिए कहा है, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, गायत्रो मध्यमः परिधि तैष्टिवो दक्षिणः जागतः उत्तरः, तो परिधियां तीन होती है, पूर्व की दिशा को छोड़ के बाकी तीन दिशाओं में परिधियां होती है, उसमें छंद को यहाँ पर बताया है। गायत्री जो है मध्य में, मध्य में मतलब पश्चिम की तरफ होगा, मध्य में परिधि, त्रैष्टुभो दक्षिणा, त्रैष्टुप छंद जो है ये दक्षिण में होगा, और जग जागत है उत्तर है, थी ये हो गया पूरा, उत्तर पे बंद कर लीजिए। तथा कपालानी, कपाल भी यहाँ वर्णित है अलग, विपरीत अल्प विराम में, अष्टा कपाल है प्रातः सवने, एकादश कपाल हो माध्यन्दिनी है, और द्वादश कपाल तारतीय सवनी कह, बंद कर लीजिए, और तो तीनों सवनों में अलग अलग कपाल यहाँ पर बताए गए हैं। इनका वर्णन आने के बाद अब संदेह, तत्र संदेह किम छंदो व्यतिक्रमे, व्यतिक्रमो भक्ष मंत्राणाम भक्षस्य च, भक्ष मंत्राणाम न कर लीजिए, मंत्राणाम और अल्प विराम हटा दीजिए, व्यतिक्रमो भक्ष मंत्राणाम भक्षणस्य च, जब ये छंद का व्यतिक्रम होगा, ये वचन पीछे जो हमने देखा था, छंदांसि वा अन्योन्य से लोकम अभिध्यायन्ति गायत्री तिष्टुभ तिष्टुभ जगत्या जगति गायत्र्या, इस वचन के आधार पर, तो तत्र किम छंदो व्यतिक्रमे, व्यतिक्रमो भक्ष मंत्राणाम, भक्ष का जो मंत्र है इसको मंत्र को बोल के भक्षण करते हैं, जो पीछे आया था मंत्र, तो भक्ष मंत्रों का भी व्यतिक्रम कर देंगे, भक्षणस्य च, और भक्षण का भी व्यतिक्रम करेंगे, जो खाने योग्य चीज है उसका भी व्यतिक्रम, और उसके साथ जो मंत्र बोला जा रहा है उसका भी व्यतिक्रम, क्या ये भी करेंगे? वचन तो केवल छंद के व्यतिक्रम का है, तो क्या भक्षण के मंत्र और भक्षण का भी व्यतिक्रम करेंगे, ये प्रश्न है। पवमान मंत्राणाम पवमानस्य च, छंद का व्यतिक्रम तो हो ही रहा है, तो क्या पवमान मंत्रों का और पवमान का भी व्यतिक्रम होगा? तथा परिधीनाम कपालानाम च, ऐसे ही परिधियों का भी व्यतिक्रम होगा और कपालों का भी व्यतिक्रम होगा, अथवा मंत्राणाम छंदो व्यतिक्रमायति, मंत्रों के छंद का ही बस व्यतिक्रम होगा और किसी का व्यतिक्रम नहीं होगा, ये दूसरा पक्ष है जो कि सिद्धांत का पक्ष है। ऊपर शीर्षक में क्या लिखा था इन्होंने, व्यूढ़ात्मक द्वादशा है मंत्राणाम एवं छंदो व्यतिक्रमाधिकरण, मंत्रों के के छंदों का ही व्यतिक्रम होगा और कुछ नहीं। किम प्राप्तम,
किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहते हैं मंत्राणाम मंत्रार्थानाम च, बोले मंत्रों का और मंत्र के जो अर्थ हैं यानी कर्म या तो द्रव्य जो है वस्तु है उनका भी व्यतिक्रम होगा। कुतः अविशेष वचना, कोई विशेष अलग से कथन तो किया नहीं गया है। अविशेष वचनात् को खोल रहे हैं, अविशेषेण भवति वचनम, ये वचन है ये तो बस सामान्य रूप से है, वचन को उद्धृत कर रहे हैं। विपरीत अल्प विराम में छंदान शिवा अन्योन्य से लोकम अभिध्यायन्ति गायत्री तिष्टुभा तिष्टुभ जगत्या जगति गायत्र्या, बंद कर लीजिए। इति न विशेष श्रूयते मंत्राणाम व्यतिक्रमा इति, कि मंत्रों का ही व्यतिक्रम होगा ये विशेष यहाँ पर नहीं सुना गया है। तस्मात मंत्राणाम अर्थानाम च इति, मंत्रों का भी और मंत्र से संबंधित जो अर्थ है वस्तुएं हैं क्रिया है उनका भी व्यतिक्रम होगा। अतो इससे क्या फिर क्या होगा, पूर्व पक्षी अपने मत में बता रहे हैं। अतो मध्यमः परिधि दक्षिण स्थाने स्थापयितव्यः है, तो बीच वाली जो परिधि थी पश्चिम दिशा में उसको दक्षिण की तरफ स्थापित करेंगे। दक्षिणः उत्तर से, दक्षिण परिधि उठा के उत्तर की तरफ कर लेंगे, और उत्तरो मध्यम से थी उत्तर मध्यम की तरफ आएगी, पूर्व दिशा खाली है ही। अष्टाकपाल में क्या बदलेंगे, अष्टाकपालो माध्यनदिनीयः कार्य, अष्टाकपाल प्रातः सवन में था तो उसको माध्यान दिन सवन में कर दिया, और एकादश कपाल तारतीय सवनी का, एकादश कपाल माध्यान दिन सवन में था उसको तृतीय सवन में ले गए, और द्वादश कपाल है प्रातः सवनी है, द्वादश कपाल तृतीय सवन में बताया था उसको प्रातः सवन में लिया, इनको मतलब खिसका दिया इधर उधर। तथा भक्ष को भी, तथा प्रातः सवनीयो भक्षो माध्यान दिनीय से भक्षण से स्थाने भक्षयितव्य, प्रातः सवन का जो भक्ष है वो माध्यान दिन सवन के भक्ष के भक्षण के स्थान पर खाना चाहिए। माध्यान दिन तारतीय सवनी कस्य, माध्यान दिन का तृतीय सवन में, और तारतीय सवन प्रातः सवनीय से, तृतीय सवन का भक्ष प्रातः सवन के उसमें लेना चाहिए। आगे पवमान में भी, तथा बहिष्पवमानो माध्यान दिन से पवमान लोके, पवमान से लोके माध्यान दिन आर्भवस्य आर्भवो बहिष्पवमानस्य, तो पीछे जो तो पवमान का हमने देखा था उसको देखो, शेनोसि गात्र छंदसा, ये जो माध्यान दिन पवमान था ये प्रातः सवन में था, ये माध्यान दिन पवमान में आ जाएगा, और माध्यान दिन का नहीं बहिष्पवमान जो प्रातः काल था वो माध्यान दिन में आएगा, माध्यान दिन का आर्भव में तृतीय में चल जाएगा और आर्भव का बहिष्पवमान में चला जाएगा, इनको भी आपस में बदल लेंगे। तो इस पे सिद्धांती कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमा न अविशेषेण छंदसाम व्यतिक्रमः स्यात्, व्य कर लीजिए यहाँ पर, कि छंदो अविशेष रूप से यानी सामान्य रूप से बस छंदों का व्यतिक्रम होवे, मंत्रगतो ही एषा व्यतिक्रमः, क्योंकि छंदों में जो व्यतिक्रम है ये मंत्रगत व्यतिक्रम है, मंत्रों में छंद होते हैं, मंत्रगतानि एव व्यतिक्रमेयुः, मंत्रगत ये रहते हुए ही इनका व्यतिक्रम होवे। किम कारणम, शक्यन्ते मंत्रगतानि विपर्यसितुम, क्योंकि इन छंदों का मंत्रगत होते हुए इनका विपर्यास कर सकते हैं और वो अंतर भी दिखेगा। भक्षादय पुनर्विपर्यस्ता अपित्त एव इति, भक्षादि जो है उनको बदल भी दिया तो रहेंगे तो वो के वही, उनमें तो अंतर आना नहीं, छंदों में तो अंतर आता है, ये भक्ष तो वैसे के वैसे ही हैं। मध्यान दिनस्य भक्षस्य काले अपि प्रातः सवनीयो भक्षो भक्ष्यमाणो नैव त्रष्टुभः कृतः स्यात्। मध्यान दिन इसमें अगर हमने छंद तो बदल दिए और भक्ष भी बदल दिए तो क्या होगा, कि माध्यान दिनस्य भक्षस्य काले, माध्यान दिन भक्ष के समय में प्रातः सवनीय जो भक्ष है वो खाया जाता हुआ वो नैव त्रष्टुभः कृतः स्यात्, त्रष्टुभ से युक्त तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्रष्टुभ जो है ये तृतीय में चला गया है। प्रातः सवन का जो भक्ष है वो माध्यान दिन में आ गया, माध्यान दिन में जो त्रष्टुभ था वो तृतीय में चला गया, ठीक है, और प्रातः सवन वाला जो था वो माध्यान दिन में आ गया। तो अगर भक्ष को भी हमने साथ में बदल दिया छंद के साथ साथ, तो उसी छंद के साथ वही भक्ष रहेगा, क्योंकि छंद भी आगे सरक गया और तो भक्ष भी आगे सरक गया, तो दोनों ही दोनों सरक गए तो वो तो साथ ही साथ में रहे, अंतर कहाँ हुआ, अंतर होना चाहिए ना। तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा, एवं सर्वत्र ऐसा ही सब जगह भी बिना परिवर्तन के रहेगा। कथम, तो उसको कह रहे हैं स्वकालेपि ही असौ न गायत्रः, ये जो अपने काल में अगर ये रहता स्वकाले भी हसौ न गायत्रा, ये गायत्री का नहीं रहेगा, गायत्री आगे चली जाएगी, गायत्री ही त्रिष्टुभ स्थानम अप्येति, क्योंकि गायत्री पहले में थी वो त्रिष्टुभ के स्थान पे आ गई है,
न अगायत्री, जो गायत्री है वही तिष्ठुप के स्थान पे जाएगी, जो अगायत्री है, जो गायत्री नहीं है मतलब अन्य कपालादि भक्षादि वो नहीं जाएंगे, न भक्षादयो गायत्र्यादय, भक्षादि है वो गायत्री तो है नहीं, तो गायत्री और इन तिष्ठुप और इनको बदलने के लिए कहा गया है, वो एक दूसरे में जाते हैं। भक्षादि जो है वो गायत्री शब्द से थोड़ा गृहित होंगे, वो तो अगायत्री है, तो उनका परिवर्तन नहीं होगा। तस्मात असंभवो भक्षणादी नाम व्यतिक्रमस्य, भक्षादि के व्यतिक्रम का संभव नहीं है। मंत्रगतानि तु छन्दांसि शक्नुवन्ति अन्योन्यस्य लोकम व्यतिक्रमयितुम्। मंत्रगत जो छंद हैं वो तो एक दूसरे के लोक का व्यतिक्रम कर सकते हैं, उसमें पहुंच सकते हैं। तस्मात् मंत्रगतानां छन्दसां व्यतिक्रमयति, बस छंदों का ही व्यतिक्रम होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ये 10वें अध्याय का 5वां पाद समाप्त हुआ। अगला अध्याय देखिए, छठा अध्याय, छठा पाद, 10वें अध्याय का छठा पाद। शीर्षक है यज्ञे रथंतरादि सामनाम त्रिचे गानाधिकरणम। तो रथंतर आदि जो साम है उनको त्रिच पर गाया जाता है, यानी एक मंत्र पे नहीं गाया जाता, एक ऋचा पे, तीन पे गाया जाता है। तो वैसे ये विषय पहले आ चुका है, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का तीसरा अधिकरण, वहां पर था कि भी गान एक एक में करना चाहिए, एक एक में एक करना चाहिए अथवा तीनों में एक करना चाहिए मंत्रों में। तो वहां पर यह निर्णय था प्रत्येक मंत्र में गान करना चाहिए, पूरा गान सामगान जो है वो एक मंत्र में आ जाए, दूसरे तीसरे में फिर से वो गान होगा, तीनों का मिला करके गान नहीं होगा, एक ही गान तीनों में फैल के हो ऐसा नहीं है, ये वहां पर निर्णय था। यहां पर इस तरह कहा जा रहा है कि जो सामयुक्त मंत्र है वो एक हो या तीन हो, जो साम से युक्त मंत्र है वो एक हो या तीन हो, जो साम है उसके साथ एक मंत्र जुड़ा रहे या तीन मंत्र जुड़े रहे, बात लगभग वही है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें एकर्च स्थानी यज्ञ स्यु स्वाध्यायवत, एक ऋचा के स्थान में ये होवे स्वाध्याय के समान, एकर्च स्थानानि यज्ञ स्यु स्वाध्यायवत। तो सामान्य सामान्य उदाहरणम, सामान्य उदाहरणम ऐसा कह रहे हैं, तो साम है वो इसके उदाहरण है। विपरीत अल्पविराम है रथंतरम बृहत वैरूपम वैराजम शाक्वरम रैवतम, इति ये अलग अलग साम हो गए। तत्र संचय किम एकस्याम ऋचि गानम कर्तव्यम उत त्रिचे इति, एक में या तीन में किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एकर्च स्थानी यज्ञे स्युः, एक ऋचा के स्थान में ये होने चाहिए। एकस्याम ऋचि गातव्यानि एवं स्वाध्याय गीतानि, स्वाध्याय पढ़ते समय भी इसी तरह गाए गए थे, यथा स्वाध्याय गीतानि तथा कर्मणि गातव्यानि, पढ़ते समय जैसे गाए गए ऐसे कर्म में भी होने चाहिए। क्यों कर्माणि स्वाध्याये च अवैलक्षण्यम न्याय्यम, पूर्ण विराम, कर्म में और स्वाध्याय में अवैलक्षण्य यानी समानता उचित है, उसके लिए कारण बता रहे हैं। कर्माणि कर्तुम स्वाध्यायम अभ्यस्यन्ति, कर्म को करने के लिए ही स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं, अतो यथा अभ्यस्तम तत्र प्रयोक्तव्यम, जैसा अभ्यास किया है वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। तस्मात् एकस्याम ऋचि गीयेरन, एकर्चोत्पत्ति तीनी उदाहरणम, एक ऋचा की उत्पत्ति ये इसके उदाहरण है, उनमें उदाहरण है। न त्रिचोत्पत्ति नहीं, जो त्रिचाओं की त्रिच की उत्पत्ति है वो इसके उदाहरण नहीं बनेंगे। यथा आह जैसे कि कहा, ये विपरीत अल्प विराम में सीमा संतनी यतय एवागपत्य शाक्वरवर्णम इति, तो ये बहुत सारे नाम गिनाए गए हैं, एक ये ऋचाएँ हैं, एक एक में अलग अलग कहे गए हैं, इसको मिला करके भी लिखा है उन्होंने, गंगा प्रसाद जी ने दिखाया है, जिनके अर्थ को उन्होंने अंग्रेजी वाले को लेके उन्होंने व्याख्या की है, उन्होंने अंग्रेजी वाले का हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ है, वो अन्य का किया हुआ जो अंग्रेजी का अनुवाद था गंगाधर गंगानाथ झा का, उसका उनका जो अंग्रेजी में किया हुआ भाष्य था ना शावर भाष्य को, उन्होंने अंग्रेजी में किया था उसका, उन्होंने ये हिंदी अनुवाद किया है जो ये टाइप किया हुआ है वो, तो उसमें उन्होंने वो भी उद्धृत किया है। तो इस पे सिद्धांत कह रहा है त्रिचेवा लिंग दर्शनार, ये त्रिच पे गाना चाहिए लिंग दर्शन होने से, न चैतदेवम एकस्यामेव गातव्यमिति, एक में ही गाना चाहिए ऐसा नहीं, तीनों में गाना चाहिए। कुतः लिंग दर्शनात् लिंगम भवति एवं आह अष्टाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति, आठ अक्षर से, ये विपरीत अल्प विराम में लो, अष्टाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति, प्रथम ऋचा का आठ अक्षर से प्रस्तुत प्रस्तौति मतलब
प्रस्ताव करता है, उसमें होते हैं ना हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, ये जो होते हैं, तो इसमें प्रस्ताव के लिए है। द्व्यक्षरेण उत्तरयोर इति, बंद कर लीजिए, और दो दो अक्षर से बाद की दो ऋचाओं में करता है। पीछे हमने इसको देखा था नवे अध्याय के दूसरे पाद में, और इसको पृष्ठ संख्या 2455 पर देख सकते हैं। 2455, इसमें युधिष्ठिर जी ने वहां पर रथंतर साम विषयक प्रगात ये लिखा हुआ था। तो वो कैसे बनाते हैं प्रस्ताव, उसमें जैसे अभित्वा शूरनो नुमो अदुग्धा इव धेनवा ईशानमस्य जगतः स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्तुष, ये जो मंत्र था इसको जब इन्होंने 3 बार करके किया, ऊपर 2 ऋचाएं थी उन 2 को 3 में बनाया था, उनको बनाते समय वहां उन्होंने एक उदाहरण दिया था अभित्वा शूरनो नुमो, तो ये पहला मंत्र है। इसमें अभित्वा शूरनो नुमो ये 8 अक्षर हो गए, इसमें अभि त्वा शूर नो नु मो ये 8 हो गए। अब जो दूसरा मंत्र था ईशानम इंद्र तस्तुष, इसमें ईशा जो शब्द है ये प्रस्ताव है दूसरे मंत्र में, ये 2 का हुआ। और तीसरे मंत्र में न जातो न जनिष्यते में न जा, ये 2 वर्ण है ये प्रस्ताव के हैं। तो पहले में 8, दूसरे में 2, तीसरे में 2, ये प्रस्ताव के लिए कहा कि प्रस्ताव को ऐसे ऐसे बोला जाता है। अब यहां पर देखिए जो इन्होंने कहा अष्टाक्षरेण, दूसरे सूत्र पे अष्टाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति द्व्यक्षरेण उत्तयो रीति, ये हो गया। तो इससे क्या पता लगा, न ही एकस्याम ऋचि प्रथमोत्तरा संबंधो भवति, जो प्रथम और उत्तर शब्द है, तो प्रथम तो पहला हो गया और उत्तर हो कहा तो 2 और ली गई ना, तो उसमें भी प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव ये जो सामगान के अंतर्गत आता है, तो इन तीनों में गान किया जाता है, पूरा गान खींच करके तीनों में नहीं किया जाएगा, एक एक में प्रत्येक में गान किया जाएगा, लेकिन उसमें तीनों में होगा, ये तीनों में होगा ये कहना चाह रहे हैं। तो नहीं एकस्याम ऋचि प्रथमोत्तरा संबंधो भवति तस्मात् त्रिचे गातव्यानि इति, ये ठीक है 3 में गाना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि पूरे साम को तीनों में खींच करके गाना चाहिए। वो तो पिछले वहां 90 में निर्णय कर ही चुका है, प्रत्येक ऋचा में अलग अलग गाना चाहिए। हाँ, साम को पहली ऋचा में भी साम गाया जाएगा, वही साम दूसरी ऋचा में, वही साम तीसरी ऋचा में, ऐसे करके। लेकिन अभी प्रश्न क्या है कि वो जो 3 ऋचाएं थी उसमें क्या पहले में ही बस साम गान होगा और बाकी 2 में साम नहीं होगा, तो कह रहे नहीं दूसरे और तीसरे में भी होगा। ठीक है, अथेदम अपरम लिंगम, एक और लिंग दे रहे हैं, ऋक् सामोवाच, ऋक् ने साम को कहा, पहले भी आया था ये वचन, मिथुनी संभवावयति, हम देखो मिल जाते हैं, तो सो अब्रवीत न वही त्वाम मम अलमसी जायत्वे, कि तू अकेली मेरी पत्नी के रूप में समर्थ नहीं है, अल्पविराम, वेदों में महिमा आती, तू मेरी महिमा जानती है, ते द्वे भूत्वा ऊचुः, वो 2 ऋचाएं मिलकर के बोली, सो अब्रवीत नैव वाम मम अलम स्थो जायत्वम अल्प जायत्वे अल्पविराम, कि तुम दोनों मिलकर के भी मेरी जाया के रूप में समर्थ नहीं हो, वेदों में महिमा आई थी मेरी महिमा जानते हो, तास तिस्रो भूत्वा ऊचु, उन्होंने 3 मिलकर के कहा, तो सो अब्रवीत संभवामयी थी, ठीक है हम अब साथ रहेंगे, तस्मात एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम इति, इसलिए एक साम को त्रिच में किया जाता है स्तोत्रीय, तो इसलिए वो 3 है। तो इससे क्या पता लगा कि साम तीनों में रहेगा, तीनों ऋचाओं में रहेगा, ये कथा बना करके इन्होंने संकेत किया है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आह लिंगम इदम प्राप्ति रुच्यताम, ठीक है संकेत तो हो गया, प्राप्ति बताइए, सिद्धांत कहने तद अभिधीयते कृत्स्ने भी ऋग्वेदे न प्रथमा नाम काचित ऋगस्ति तथा उत्तरेति, उत्तरेति इसको जोड़ लीजिए, इति को काट दीजिए, उत्तरेति तथा उत्तरायति। तो ये जो प्रथमा और उत्तरा है, अगर इसको हम ऋचा के नाम से लेंगे तो ऋग्वेद में इस नाम की कोई भी ऋचा नहीं है। व्यवस्था कृतम प्रथमात्वम उत्तरात्वमिति, ये जो प्रथमात्व और उत्तरात्व है ये व्यवस्था के कारण से है, क्रम के कारण से। प्रथमाया ऋचो अष्टाक्षरेण प्रस्तोतव्यम द्व्यक्षरेण च उत्तरयोरिति, तो पहली ऋचा का 8 अक्षर से प्रस्ताव करना चाहिए और बाकी 2 का 2-2 अक्षरों से। तस्मिन् वचने सति ऋचस्त्रित्वम् आपद्यते, और ये वचन होने पर ऋचाओं का त्रित्व प्राप्त हो जाता है। तथा यद्यपि अनुवाद स्वरूपो अयम् शब्दः, ये अनुवाद के रूप में है,
कौन सा, ये जो इन्होंने अंतिम कहा था ऊपर, तस्माद एकम सामा, ये इन्होंने खुद ने भी आगे लिखा है, तथा यद्यपि अनुवाद स्वरूप अयम शब्द है, कौन सा आगे जो लिखा है विपरीत अल्पविराम में कीजिए, तस्माद एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम इति, बंद कर लीजिए, एक साम त्रिच में किया जा रहा है। अब इसमें चूंकि ये तस्मात शब्द आ गया है, इससे क्या पता लगता है कि यहाँ जो ये कथन है ये अनुवाद रूप है, अनुवाद रूप है, कथन तो मिल रहा है सीधा, इसको पुष्टि भी ले सकते हैं, पर ये सीधा कथन नहीं है, विधि नहीं है, अनुवाद है। तो फिर भी कह रहे हैं तथापि ऋक् साम उवाचय थी, जो पीछे कथा थी ऋक् ने साम को कहा इति पुरस्ताद अर्थवाद प्ररोचनया विदधाती थी गम्यते, अर्थवाद की प्ररोचना से ये विधान करते हैं कि तीन में होना चाहिए। तदुक्तम जैसा कि कहा वचनानि तु अपूर्वत्वात्, तो के बाद में जो त है इसको काट दीजिए, वचनानि तु अपूर्वत्वाद इति, जो वचन है ये अपूर्व होने चाहिए, ये पहले आ चुका है, तो अपूर्व कथन होने से जो अर्थवाद है इससे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि तीन होंगे। हाँ अलग पूरी ऋचा, एक एक ऋचा में पूरा पूरा साम जैसे कहा है, पूरा एक एक ऋचा में पूरा पूरा साम हो रहा साम का है वो ही साम। हाँ जी, लेकिन जो ऊपर जो वचन आया तो उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तीनों ऋचाओं में एक ही साम हो जैसा एक ही आया साम मतलब समान साम होगा, ये तो पहले कर ही चुके हैं ना, पहले ये था कि वो एक साम जो है वो तीनों ऋचाओं में फैल करके होगा या प्रति ऋचा में होगा, तो साम तो बराबर ही होगा लेकिन अलग अलग होगा। क्या? हाँ मतलब साम जो है भाई साम एक ऋचा से तृप्त नहीं हो रहा है, बस उतना ही तो अर्थवाद है वैसे ही कहने के लिए। हाँ कि स्वाध्याय में जैसे एक एक ऋचा पे गाया जाता है, हाँ लेकिन स्वाध्याय में भी तो मतलब एक ऋचा में स्वाध्याय करते समय एक ऋचा में सामगान किया, दूसरे में भी किया, तीसरे में, सभी ऋचाओं में सामगान होता करते है, हैं। सब ऋचाओं में होता है, लेकिन पूर्व पक्षी किस दृष्टि से देख रहा है कि एक ऋचा में पूरा का पूरा साम परिपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ ऋचाएं तो तीन है, साम तो एक ही है, तो बस वो एक में गा करके पूरा हो गया, अगली दो में नहीं ले रहा है वो। दूसरी ऋचा में भी शाम तो पर बराबर या ठीक है, वहां प्रत्येक ऋचा में स्वाध्याय में लिया, अब यहां पर है कि एक साम है और तीन ऋचाएं हैं, तो साम को पूरा एक ऋचा एक मंत्र में कर लिया, स्वाध्याय में पूरा साम एक ऋचा में कर लेते हैं, यहां पर भी कर लिया, अब यहाँ एक ही साम है बस, तो बाकी की दो ऋचाओं में साम नहीं जाएगा, साम एक ही था ना स्वाध्याय में, तो यहां वचन के सामर्थ्य से एक साम होगा और तीन ऋचाएं होंगी, और स्वाध्याय में पूरे साम को एक ऋचा में कर दिया, तो कर दिया तो बस कर दिया, अब बाकी दो ऋचाएं हैं वो बच गई। उस तरह पूर्व पक्षी थोड़ा अलग ढंग से देख रहा है ना, तभी तो वो आपत्ति दिखाएगा, नहीं तो फिर ये तो पक्षी नहीं बनेगा उसका। ये जो कहा ना एकर्च स्थानी यज्ञ हिस्सों, ये जो साम है एक ऋचा में के स्थान वाले होते हैं, एक ऋचा में ही परिपूर्ण हो जाते हैं, तो साम तो बस एक ही था। अगला दूसरा अधिकरण है वीक्षणे स्वरदृक पद पाठ काल विधानाधिकरणम, तो वीक्षण में, वीक्षण मतलब देखने का, आगे एक वचन आएगा तो उसमें स्वरदृक ये भी शब्द है, स्वरदृशम, तो स्वरदृक पद पाठ, स्वरदृक जो शब्द है पद का पाठ है वो काल के विधान का अधिकरण, वो काल के विधान के लिए आया है, इसमें विवेचना चलेगी कि ये अंगांगी भाव है इनमें अथवा तो ये काल का विधान कर रहा है स्वर शब्द, उसकी चर्चा है। तो सिद्धांत पक्ष है कि वीक्षण के संदर्भ में स्वरदृक शब्द जो पद का पाठ है वो काल के विधान के लिए है, सिद्धांति का सूत्र है स्वरदृशम प्रति वीक्षणम काल मात्रम परार्थत्वात्, स्वरदृश के प्रति जो वीक्षण है वो स्वरदृशम प्रति वीक्षण ये काल मात्र को बताने वाला है क्योंकि ये परार्थ होता है। भाष्य विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ईश्वरम वै रथंतरम उद्गातुश्चक्षुः प्रमथितोः, इसको उद्गातुश्चक्षुः पूर्ण विराम हटा दीजिए, फिर प्रमथितः अल्प विराम, मीमांसा कोश में ऐसे पाठ भेद करके लिखा हुआ है, प्रमथितो लिखा हुआ है, प्रमथितोः ऐसे लिखा हुआ है पाठ भेद, यहाँ प्रमथिता लिखा हुआ है, वहाँ पाठ भेद है प्रमथितो।
रथंतरे प्रस्तूय माने सम्मिलेत। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वरम भाई रथंतरम, रथंतर है जो ईश्वर है, बलवान है बहुत। उद्गातो चक्षु, उद्गाता का ये कि प्रबल आंख है, रथंतर जो है वो उद्गाता की ईश्वर आंख है, प्रबल आंख है। उदयवीर इन्होंने गंगा प्रसाद जी ने ऐसा लिखा है, तो इसलिए कहते हैं अतः रथंतर में प्रमतिता आंख बंद कर ले वे। रथंतर में तो कहा रथंतरम प्रस्तुये माने सम्मिलित, रथंतर को जब वो बोले तो आंख को बंद कर ले वे एक बार। फिर कहा स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता, बंद कर लीजिए यहाँ पर, और स्वरदृश्य के प्रति वीक्षेता मतलब देखें, उधर बंद करने को कहा या खोलने को कहा। अब इसमें संदेह है, अत्र संशय, किम स्वरदृश्यम प्रति वीक्षणम अंग प्रयोजन संबंध। स्वरदृश्य के प्रति जो वीक्षण है, स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता ये जो वचन है अब इस पर केंद्रित हो रहे हैं, तो इसमें स्वरदृश्य के प्रति वीक्षण अंग और प्रयोजन संबंध वाला है, उत कालार्थ संयोग है इति। अंग प्रयोजन का संबंध दो तरह से बन सकता है कि स्वरदृक शब्द वीक्षण का अंग बनेगा, स्वरदृक शब्द वीक्षण का अंग बनेगा, वीक्षण करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वरदृक शब्द को उच्चारण करते हुए देखे, देखना तो मुख्य कर्म हो गया और उसका अंग के रूप में हो गया स्वरदृक। स्वरदृक जो शब्द बोलेंगे उस समय में, रथंतर साम के समय जो ये मंत्र था, अभित्वा शूर नो नोमो अदुग्धा इव धेनवा ईशानम अस्य जगत स्वरदृशम, ये तीसरे पाद का अंतिम पद है, ईशानम अस्य स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्तुष, ये पूरा मंत्र है। तो ये जो स्वरदृक शब्द आया है, पहले इन्होंने क्या कहा था, रथंतरे प्रस्तूय माने सम्मिले, तो ये रथंतर का जब करेगा तो वो नेत्र बंद करे, एक तो ये बात कही। लेकिन का स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता, अब ये जो स्वरदृश्य शब्द आएगा उसके प्रति देखे तो वीक्षण हो गया ना, तो ये सम्मिलेत के विपरीत वीक्षण हो गया, यानी नेत्र को खोलना होगा। अब स्वरदृश्य शब्द का और वीक्षण क्रिया का आपस में अंगांगी भाव है, तो दो तरह से बन सकता है। पहला क्या कि स्वरदृक शब्द वीक्षण का अंग है, वीक्षण की प्रधानता हो गई, अब अंगी हो गया और स्वरदृक है उसका अंग। कैसे अंग बन रहा है कि वीक्षण कब करे, स्वरदृक को बोलते हुए, स्वरदृक शब्द को बोलते हुए ईक्षण करे, नान्य था और किसी तरह ना करें, यह अंग रूप में हो गया। इसको पलट के कर सकते हैं, या वीक्षण को स्वरदृक शब्द का अंग बना देंगे, स्वरदृक शब्द का अंग, स्वरदृक शब्द का अंग वीक्षण को बना देंगे। तो क्या करेंगे, वीक्षमाण स्वरदृक शब्दम उच्चारये नान्यथा, देखते हुए ही स्वरदृक शब्द को बोले, स्वरदृक शब्द को बोलना यह प्रधान हो गया, और देखते हुए बोले, ये देखते हुए उसके लिए अंग का रूप का अंग का काम करेगा। तो दोनों में से किसी भी तरह देखें, इनमें अंगांगी भाव बनेगा। तो जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम स्वरदृश्यम प्रति वीक्षणम अंग प्रयोजन संबंध, प्रयोजन का मतलब है अंगी, अंग और प्रयोजन, अंगी प्रयोजन मतलब अंगी, तो इसमें अंगांगी संबंध है। उत कालार्थ संयोग है थी, अथवा केवल काल को बताने के लिए यह संयोग है कि जिस समय स्वरदृक शब्द बोला जा रहा है, अब स्वरदृक शब्द नहीं ले रहे हैं, स्वरदृक का उच्चारण का काल ले रहे हैं, उस समय वीक्षण करें, ऐसे काल का संबंध है यहाँ पर, कालार्थ के लिए, काल के अर्थ को बताने के लिए, काल के लिए यहाँ पर ये यह संयोग है इस वचन में, स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता, ये यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा। तो तथा एतावत तावन नह परीक्षम, अब इसमें पहले हमारे को ये परीक्षा कर लेनी चाहिए, किम क्या अभिप्रीत अल्प विराम है, रथंतरे प्रस्तूय माने सम्मिलेत इत्यस्य शेषः स्वरदृशम प्रतिवीक्षेत इति, ये स्वरदृशम प्रतिवीक्षेत, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए। क्या कह रहे हैं कि रथंतरे प्रस्तूय माने सम्मिलेत, ये जो वाक्य है क्या उसी का ये शेष भाग है स्वरदृशम प्रतिवीक्षेत, यानी वो मुख्य भाग है और उसी का शेष मतलब अंग है स्वरदृशम प्रतिवीक्षेत, उसी वाक्य का ये अंग है एक बात। उत अथवा स्वरदृशम श जोड़ लेना यहाँ पर, स्वरदृशम इत्येवम आदि पृथक वाक्यमिति, अथवा स्वरदृशम प्रतिवीक्षेता एक स्वतंत्र वाक्य है।
अगर पहले वाले का अंग है तो इसमें वाक्यिक वाक्यता से एक वाक्यता होगी, लेकिन अंगांगी भाव है उसी से जुड़ करके आएगा, अथवा ये दोनों अलग अलग हैं। बोले पहले ये निर्णय करो फिर आगे का निर्णय करेंगे। तो कहते हैं किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अंग प्रयोजन संबंध इति पृथक वाक्यम इति, इसमें अंग प्रयोजन संबंध है इसलिए पृथक वाक्य है। पृथक पृथक वाक्य मानेंगे तो स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेत है, इसमें आपस में अंगांगी भाव जोड़ने का ये प्रयास करेगा, जुड़ सकता है। कुतः भेदेन अवगमात, क्योंकि ये अलग अलग भेद रूप में हमारे को प्राप्त हो रहे हैं दोनों वाक्य। रथंतरे प्रस्तु ये माने सम्मिलित, ये एक अलग वाक्य हो गया। स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेत ये अलग वाक्य हो गया, तो भेद के रूप में यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। भिन्नम इदम उपलब्धते स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता इति, स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता विपरीत अल्पिरा में, ये एकदम अलग हमारे को मिल रहा है। इस पर सिद्धांति कह रहा है ननु भिन्नम अपि लक्ष्यते, भिन्न होते हुए भी वो लक्षित तो किया जा रहा है। क्या रथंतरे प्रस्तुये माने सम्मिलेत इति विधाय, रथंतर जब बोला जा रहा हो तो नेत्रों को बंद करे प्रस्ताव करे तो स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता इति अनुवदति, ये उसी के पीछे पीछे कह रहा है। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्चते, पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते उभयावगत भेदो गृहीतव्य, जब उभय ज्ञान हो रहा हो यानी भेद और अभेद दोनों का ज्ञान हो रहा हो। पूर्व पक्षी ने कहा था दोनों में भेद है दोनों वाक्यों में, सिद्धांति ने कहा था ये उसी बात को कह रहा है जोड़ करके तो ये अभेद है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि भेद और अभेद जहाँ दोनों बातें प्राप्त हो रही हों तो क्या करना चाहिए, भेदो गृहीतव्य, भेद ही ग्रहण करना चाहिए, नियम है। सभेदो गृह्य मानो न तेन विरुद्धते, और ये भेद के रूप में लिया जाता हुआ भी न तेन विरुद्धते, तेन मतलब प्रथमेन वाक्येन, उस प्रथम वाक्य से विरुद्ध नहीं पड़ता है, ये दूसरा वाक्य बोला जाता हुआ पहले के विरुद्ध नहीं पड़ रहा है। अन्यतर गतिस्तु विध्यनुवादयोर रेफ लगना विध्यनुवादयोर विरोधात्, अन्यतर गति जब हम लेते हैं दोनों में से कोई एक गति हो वो कब होता है, जो विध्यन अनुवाद में विरोध हो, तो या तो बोले कोई विरोध नहीं है तो दोनों का अर्थ ले लेंगे। तत्र विधिर न्यायो अपूर्वत्वात्, तो विधिर न्याय विधि क्यों अधिक उचित है, अपूर्व होने से वाद मात्रम ही अनर्थकम, अनुवाद है तो वाद मात्र है वो अनर्थक हो जाएगा। आगे विध्य यह कर लेना घ की जगह, विध्यवगमाच वाद मात्र और विधि का अवगम होने से जाने जाने से विधिश्च अवगम्यते, और विधि यहाँ पर जानी भी जा रही है। कैसे वीक्षेता इति, वीक्षेता इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, स्वरदृश्यम प्रति वीक्षेता, ये वीक्षेता यहाँ विधि हमारे को साक्षात मिल रही है। श्रुतिश्चैव अनुगृह्यते, इससे श्रुति भी गृहित हो रही है, इसको अलग वाक्य मानेंगे। स्वरदृशम प्रति वीक्षेता इति स्वरदृक् शब्दम प्रति वीक्षमाणार्थो विधीयते, तो स्वरदृशम प्रति वीक्षेता ये तो वचन हो गया, इति इस वचन में क्या हो रहा है अर्थबोध बता रहे हैं। स्वरदृक् शब्दम प्रति वीक्षणार्थो विधीयते, स्वरदृक् शब्द के प्रति वीक्षण अर्थ का विधान किया जा रहा है, स्वरदृक् शब्द के प्रति वीक्षण अर्थ का विधान किया जा रहा है। स्वरदृशम प्रति वीक्षेता, स्वरदृश स्वरदृश शब्द के प्रति क्या करेंगे, वीक्षण करेंगे, तो स्वरदृश के प्रति वीक्षण का विधान किया जा रहा है यहाँ पर। स्वरदृश स्वरदृक् शब्दम प्रति वीक्षणार्थो विधीयते, स्वरदृक् शब्देन सह वीक्षणस्य साक्षात संबंध, तो वीक्षण का स्वरदृक् शब्द से ही सीधे सीधे संबंध जुड़ रहा है। इतरथा स्वरदृक् शब्द है कालम लक्षयेत, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ये अर्थ नहीं लेते हो तो स्वरदृक् शब्द काल को लक्षित करेगा, कि स्वरदृक् शब्द बोला जाता है जिस काल में, तो काल का अर्थ लेंगे शब्द की जगह तो लक्षणामय करनी पड़ेगी। तो इतरथा स्वरदृक् शब्द है कालम लक्षयेत श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याया, श्रुति अधिक बलवती है तस्मात अंग प्रयोजन संबंध, तो ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं और इसलिए यहाँ पर अंग प्रयोजन अंगांगी संबंध इनके अंदर विद्यमान है स्वरदृश और वीक्षण के प्रति। अब इसको दूसरे ढंग से कह रहा है पूर्व पक्षी, अथवा विपरीत अल्प विराम में लीजिए, स्वरदृशम प्रति वीक्षेत बंद कर लीजिए इत्येवम अंग प्रयोजन संबंध, इसमें अंग अंगी प्रयोजन संबंध है। कैसे स्वरदृक् शब्दो वीक्षणस्य साधनम इति, स्वरदृक् जो शब्द है वो वीक्षण का साधन है। अब इसको पलट करके कह रहे हैं, पहले स्वरदृक् के प्रति वीक्षण की विधि की जा रही थी, अब क्या कह रहे हैं कि स्वरदृक् शब्द जो है ये वीक्षण का साधन है, यानी वीक्षण को अंगी बना दिया और स्वरदृक् को अंग बनाया गया, इस तरह कथन करें। स्वरदृक् शब्दो वीक्षणस्य साधनमिति तथा लिंगम अपि अनुगृहीतम भवति, बोले लिंग भी अनुगृहित होता है। लिंग कौन सा, स्वरदृक् शब्द में जो दृक् शब्द है उस पर केंद्रित है, आगे इसकी विवेचना करेंगे तो वहां दृक् शब्द को लिंग के रूप में लिया है।
तो तत्र लिंगम अपि अनुगृहीतम भवति स्वरदृक् शब्द श्रवणात् वाक्यम अपि, और स्वरदृक् शब्द के श्रवण से यहाँ पर वाक्य भी अनुगृहित होता है। वाक्य कौन सा? स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, ये तस्मात् अंग प्रयोजन संबंध एव इति, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। इसमें सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूम स्वरदृशम प्रति वीक्षण कालमात्रम स्यात् परार्थत्वात्। स्वरदृक् के प्रति जो वीक्षण है ये कालमात्र को कहे परार्थ होने से, नहीं तद एवं, ऐसा नहीं है कि अंग प्रयोजन संबंध है इति, पूर्व पक्षी का खंडन किया। एवं तरही स्वरदृक् शब्देन वीक्षणस्य कालार्थ संबंध स्यात्। तो है हाँ, किम तरही, ठीक है, तो किम तरही इसका अंग प्रयोजन संबंध है, नहीं तद एवं अंग प्रयोजन संबंध है, पूर्व पक्षी पूछता फिर क्या है? तो स्वरदृक् शब्देन वीक्षणस्य कालार्थ संबंध स्यात्। स्वरदृक् शब्द के साथ वीक्षण का काल प्रयोजन वाला संबंध होवे, ये इसका सिद्धांत पक्ष है। कैसे है? कुतः? तो कहा पदार्थत्वात्, द को र कर लीजिए, नहीं परार्थत्वात् कर लीजिए इसको, द की जगह र, परार्थत्वात् सामनः, क्योंकि साम जो है वो परार्थ होता है, साम जो है वो परार्थ होता है दूसरे के लिए। कैसे? विपरीत अल्पविराम में रथंतरम पृष्ठम भवति इति पृष्ठ स्तुतौ ही साम विनियुज्यते। रथंतरम पृष्ठम भवति, ये विपरीत अल्पविराम में इतना सा, तो इसमें पृष्ठ की स्तुति में ही साम का प्रयोग किया जाता है। तच्च साम, और ये जो साम है, तच्च साम पदानाम स्तुतिम निर्वर्तयताम, इसको यूं कहे स्तुतिम निर्वर्तयताम पदानाम संश्लेषादिभिर विशेषै स्तुति पदाक्षराणि उपदर्शयत स्तुतिम अभिनिर्वर्तयति इति उच्यते। ये जो साम है ऋचाओं पे गाया जाता है तो ये उस स्तुति को ही और बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए साम है वो परार्थ होता है, अपने लिए नहीं होता है। फिर से देखिए इसको, तो तच्च साम, ये जो साम है, साम को पदानाम मत करना, तच्च साम पदानाम ऐसा मत बोलना साम के पदों का, तच्च साम ये जो साम है ये स्तुतिम निर्वर्तयताम पदानाम, स्तुति को कर रहे पदों के संश्लेषादि भेर विशेष ही, संश्लेषादि विशेषों से यहाँ जोड़ेगा यहाँ जोड़ेगा जैसे वो बोला जाता है उसके द्वारा, स्तुति पदाक्षराणी स्तुति के पद अक्षरों को उपदर्शयत दिखाते हुए, स्तुतिम अभिनिर्वर्तयति स्तुति को ही वो संपन्न करता है। तो साम जो है वो इस मंत्रगत स्तुति को ही प्रस्तुत करता है, तो साम है वो परार्थ हुआ। एवं चेत सामनी स्तुतौ विनियुज्यमाने, और ऐसा है तो सामनी स्तुतौ विनियुज्यमाने, साम में स्तुति को विनियोग करने के कारण, स्तुतौ करने के कारण से, जोड़ने के कारण, यानी तानी परस्पर सव्यपेक्षाणी वाक्य पदानी स्तुतौ विनियुक्तानी भवन्ति। तो इसमें ऐसा अन्वय कीजिए, यानी वाक्य पदानी जो वाक्य पद हैं यानी रिक तानी परस्पर सव्यपेक्षाणी आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करते हुए स्तुतौ विनियुक्तानी भवन्ति, स्तुति में विनियुक्त होते हैं। यानी साम जब ऋचा पे गाया जा रहा है तो ऋचा के जो पद हैं वाक्य हैं वो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए स्तुति में विनियुक्त होते हैं। अतः स्वरदृश शब्दस्य तन्मध्य पाठात्, स्वरदृक् शब्द का उसके बीच में पाठ होने के कारण से, उस ऋचा के बीच में पाठ होने से स्तुतौ विनियोग उक्तो भवति, उसका भी स्तुति में ही विनियोग होता है। अतः परार्थत्वाद यह कालार्थ संयोग, तो ये जो स्वरदृक् है ये अपने लिए तो है नहीं, दूसरे के लिए है, तो इसमें काल का संयोग ले सकते हैं, कालार्थ संयोग इति अध्यवसीयते। मतलब इसका ये हुआ कि स्वरदृक् जो है वो वीक्षण के लिए नहीं हो सकता है, वीक्षण के लिए अपने आप में नहीं, स्वरदृक् शब्द काल को लक्षित करेगा, तो स्वरदृक् शब्द को बोलते समय आंखों को खोले ये मतलब निकलेगा। स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, स्वरदृक् शब्द के प्रति आंख को खोले मतलब स्वरदृक् शब्द को देखे, ऐसा नहीं, जिस समय स्वरदृक् शब्द बोला जाता है तो वहां आंख को खोले, काल को लक्षित कर रहा है ना स्वरदृक् शब्द, ऐसा कहा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु मंत्रे समामनान मात्रम, तो ये जो मंत्र में पढ़ा गया है अभी तो आशुर ननु में है ना,
इसमें ईशानमस्य जगतः स्वरदृशम, तो यहाँ पर ये स्वरदृश शब्द वहां समामनान मात्र पढ़ा गया है। ननु मंत्रे समामनान मात्रम रथंतरोपदेशाच पदोपदेशम आनुमानिकम, माँ में आकी मात्रा जोड़ लीजिए, पदोपदेशम आनुमानिकम बाधित्वा एतद वाक्यम प्रत्यक्ष अंग प्रयोजन संबंधमेव प्रकल्पयेत इति। ये अंग प्रयोजन अंगांगी संबंध ही जोड़ने के लिए क्या कह रहा है कि मंत्र में ये स्वर्दिक शब्द समामनान मात्र है, और चूंकि उपदेश है, ये रथंतर का उपदेश है, तो रथंतर के उपदेश से पदोपदेशम आनुमानिकम बाधित्वा, पद का जो उपदेश है जो कि अनुमानिक है उसको बाधित करके, एतद वाक्यम ये वाक्य, वाक्य कौन सा, स्वरदृशम प्रति वीक्षेत, ये जो वाक्य है प्रत्यक्षम अंग प्रयोजन संबंध में वो प्रकल्प है, ये अंग प्रयोजन संबंध को ही, अंग प्रयोजन संबंध को ही बनाएगा। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते तथ्य बाधकम भवती, मतलब बाधक तो वो होता है। पूर्व पक्षी ने ऊपर क्या कहा था, आनुमानिकम बाधित्वा वाक्य से प्रत्यक्षम, अनुमानिक को बाधित कर देगा, तो सिद्धांत कह रहा है तथ्य बाधकम भवती, बाधक तो वो होता है। अब इसको पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, यद अबाधमानम अप्रयोजनम भवती, जो दूसरे को बाधित न करे तो अप्रयोजन वाला हो जाता है, दूसरे को बाधित न करे तो अप्रयोजन वाला हो जाता है। यद अबाधमानम अप्रयोजनम भवती, यदि दूसरे को बाधित नहीं करेगा तो स्वयं अप्रयोजन वाला हो जाएगा, इसलिए उसको बाधित करता है। और अगर दोनों ही चल रहे हैं और दूसरे को बाधित किए बिना भी सब प्रयोजन होता है तो बाधित नहीं करता है। न चैतत अबाधमानम अनर्थकम, बाधमानम म के बाद में न जोड़ लीजिए, न चैतत अबाधमानम अनर्थकम, ये उसको बाधित न करता हुआ अनर्थक नहीं हो रहा है, यानी सार्थक है। क्रियासु काल परिच्छेदेन अर्थवत्पाद, क्रियाओं में यानी वीक्षण रूप क्रिया में काल के परिच्छेद के द्वारा अर्थवत्व सार्थकता होते हुए, क्योंकि उसको देखते हुए कर रहा है, उस काल में कर रहा है। आगे मंत्रे समामनान सामर्थ्यात, मंत्र मतलब ये अभित्वा शूर्णोनुमो, उस मंत्र में, मंत्र में मंत्रे समामनान सामर्थ्यात सामोपदेशाच्च स्तुति संबंध साक्षात, तो मंत्र में समामनान का सामर्थ्य ये एक बात, एक हेतु, और सामोपदेशाच्च ये दूसरा हेतु, इसके कारण से स्तुति संबंध साक्षात, शब्द का स्तुति के साथ सीधा संबंध है। वाक्यात क्रियाकारक संबंध, और वाक्य से इसमें क्रिया, क्रिया क्रिया मतलब यहां वीक्षण क्रिया है, तो वाक्य के द्वारा क्रिया और कारक का संबंध हुआ, ये जो स्वरदृशम और विक्षेता है तो क्रिया कारक का संबंध वाक्य से हुआ। पूर्व पक्षी कह रहा है उभयो प्रमाणावगतत्वात् उभय संबंधो न विरुध्यते इति यदि उच्चेत, अगर कोई ये कहे, पूर्व पक्षी अपनी तरफ से कह रहा है कि दोनों ही दोनों के प्रमाणों से जाना जाने के कारण से दोनों का संबंध परस्पर विरुद्ध नहीं होता है, ऐसा अगर कहें तो सिद्धांत कह रहे तन्ना यो ही मंत्रवाक्यात व्यवच्छिन्नस्य क्रियाकारक संबंधम अवगच्छति, तो जो मंत्र वाक्य से व्यवच्छिन्नस्य यानी शब्दों के व्यवधान नहीं पृथकभूत शब्द का, व्यवच्छिन्नस्य शब्द से मतलब पृथकभूत जो शब्द है, मंत्र के वाक्य से व्यवच्छिन्नस्य शब्द का, पृथकभूत शब्द का क्रियाकारक संबंधम अवगच्छति, क्रियाकारक के संबंध को जानता है। नासौ सकृत उच्चरितस्य स्तुति संबंधम अपि अवगच्छति, वो एक ही बार उच्चरित हुए स्तुति संबंध को भी नहीं प्राप्त करता, यानी मंत्र में जो स्वरदृक शब्द है वो स्तुति के लिए है, अगर उस शब्द का प्रयोग क्रियाकारक संबंध में वो जोड़ेगा तो या तो उससे क्रियाकारक संबंध जोड़ो तो स्तुति नहीं जुड़ेगी, अब बिना आवृत्ति के नहीं हो सकता, दो बार करना पड़ेगा। तो बोले इन्होंने कहा नासो सकृत उच्चरितस्य स्तुति संबंधम अपि अवगच्छति, यदि अवगच्छेत, अगर आप उसको दोनों स्तुति संबंध को भी जोड़ना हो तो, यदि अवगच्छेत के बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए, पुनरुच्चारयेत, नान्यथा उसको दोबारा उच्चारित करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तस्मात् तस्याम एव श्रुतौ, उसी श्रुति में क्रिया संबंधे कारक संबंधो अल्पविराम न स्तुति संबंधे, तो यहाँ पर उसी श्रुति में क्रिया के संबंध में कारक का संबंध है, क्रिया संबंधे कारक संबंधो न स्तुति संबंधे, तो ये जो शब्द है क्रिया के संबंध में कारक का संबंध हुआ है, स्तुति के संबंध में नहीं।
कारक विशेषणा भावात्। क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए हेतु है कारक रूप विशेषण का अभाव होने से। तदेवं मंत्राम नानस्य, इसको ठीक कर लीजिए, मंत्राम ना, न आधा है इसको म, और नानस मंत्राम ना, हाँ ये तो ठीक ही है, मंत्राम नानस्य ये पहली बात है, तदेव मंत्राम नानस्य सामोपदेश वाक्य से ये दूसरी बात है। ऊपर भी जो दो बातें थी ना कि मंत्रे समामनान सामर्थ्यात सामोपदेशात, वही कह रहे हैं, तो तदेव मंत्राम समामनानस्य सामोपदेश वाक्य से विपरीत अल्प विराम में लीजिए, स्वर दृश्यम प्रतिवीक्षेत इति अस्य अविरोधे साधिते, अविरोध के सिद्ध होने पे कालार्थ संयोग, काल के लिए शब्द का संयोग, अतः उच्यते कालार्थ संयोग इति। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ। सभी को सादर विवाद है। ओम द्योशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।